फ्रेंड्स, कहीं भी हमको एक स्विच और एक बल्ब होल्डर के कनेक्शन करने पड़े तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ये आप देख रहे हो, ये 6 एम्पियर का स्विच है और ये बल्ब होल्डर है। इसको हमने एक पीवीसी गैंग बॉक्स के ऊपर माउंट किया हुआ है। इसमें जो इनपुट पावर सप्लाई आएगी वो दो वायर हैं। ये न्यूट्रल वाली वायर है, इनपुट न्यूट्रल आएगा, अभी इसमें पावर नहीं है, और ये इनपुट फेज है। इनपुट न्यूट्रल को बॉक्स के दो होल हैं इसके अंदर से निकाल लेते हैं और ये जाएगा डायरेक्ट बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल पे। स्विच लेंगे, स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे, ये आउटपुट टर्मिनल है स्विच का, इससे एक वायर लेके जाएंगे बल्ब होल्डर तक, जहां हमारा बल्ब होल्डर लगा होगा। स्विच के आउटपुट पे और वायर जाएगी बल्ब होल्डर पे। ये जो बॉक्स है इसकी में जो होल किया, इसके अंदर से बल्ब होल्डर के ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब आएगी इनपुट पावर सप्लाई, यानी कि फेज वाली वायर। न्यूट्रल डायरेक्ट पहले कनेक्ट किया हुआ है, इनपुट फेज वाली वायर, ये कनेक्ट होगी स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। ये वाला इनपुट टर्मिनल है, कनेक्ट करेंगे। पहले स्विच को ऑफ करेंगे, पावर दिया और ये देखिए बल्ब जो है वो प्रॉपर ग्लो कर रहा है। बिल्कुल सिंपल तरीका। इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। ये ऐसे हम सिंपली तरीके से स्विच और एक बल्ब होल्डर लगा करके, हमारे घर में लगाना हो आसानी से हम खुद से लगा सकते हैं किसी की हेल्प के बगैर।